नाणार और आरे दोनों भिन्न विषय है। राज्य के बारे में, पर्यावरण के बारे में, कोंकण की जनता के बारे में ये विषय है। दूसरी बात है, चाहे नाणार हो चाहे आरे हो, ये कोई शिवसेना का राजनीतिक या व्यक्तिगत मामला नहीं है। नाणार में जनता ने विरोध किया है, नाणार की जनता, कोंकण की जनता सड़क पर उतरी है और वहां भी पर्यावरण का विषय है। रिफाइनरी आने से वहां का पर्यावरण, यहाँ की बागान, वहां की खेती, वहां का समुन्द्र, वहां की नदियां, उनको खतरा है, लोगों का रोजगार जाएगा, पर्यावरण का मुद्दा है। अब यही पर्यावरण का मुद्दा आरे में भी है, यही मुद्दा आरे में भी है ना। और आरे के मामले में भी सिर्फ शिवसेना नहीं है, लगभग देश के सभी प्रमुख पर्यावरणवादी सड़क पर उतरे हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए, कोई व्यक्तिगत मामला है क्या? नहीं, आरे के आरे का मालकन या हक्का किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। 3,000 से भी ज्यादा अगर आप पेड़ काटेंगे मुंबई में, एक तो इतना बड़ा शहर है, सीमेंट का जंगल है, और हम कहते हैं आरे को ये मुंबई का फुफ्फुस है, हाँ, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सेंटर है, आप वही काटेंगे तो हमको मार देंगे आप लोग। समझना चाहिए लोगों को, मेट्रो को विरोध नहीं किया है हमने, किसी प्रोजेक्ट या विकास के लिए शिवसेना ने कभी विरोध नहीं किया है। अगर ऐसा हम विरोध करते तो ये मुंबई औद्योगिक नगरी नहीं बनती, ये मुंबई हो, ठाणे हो, नासिक हो, महाराष्ट्र एक औद्योगिक राज्य नहीं बनता है, समझ लेना चाहिए सब। आपको किसने कहा कि युति नहीं हो रही है? आपको किसने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये आप हवा में बात उड़ा रहे हैं। कल ही दिवाकर रावत का बयान है कि 144 सीटें नहीं मिलेगी तो युति नहीं होगी। देखिए, दिवाकर रावत ने जो कहा है, दिवाकर रावत महाराष्ट्र के कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी है। दिवाकर रावत ने जो बात कही है मैं मानता हूँ, उसमें गलत क्या है? मैं युति टूटने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अमित शाह जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ है तो दिवाकर रावत जी का बयान मुझे लगता है कुछ न कुछ गलत नहीं है। अगर से 50-50 बीजेपी नहीं मानती है, अरे तो नहीं, वो नहीं मानने की बात आगे है, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ जो अमित शाह जी के सामने हुआ था। अगर फॉर्मूले पर बात नहीं बनी तो मैं कहाँ बोलता हूँ नहीं बनेगी गलत, हमने कहा या बीजेपी ने कहा नहीं बनेगी। लेकिन सर बात तो ये आ रही है कि वो नहीं दे रहे हैं उतनी सीट, इसीलिए अमित शाह साहब ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया है क्या? क्या मुख्यमंत्री ने किया है? अखबार और मीडिया में जो बातें आती है उसके ऊपर हम विश्वास नहीं रखते आज। युति के बाद आपको अभी उम्मीद है कि युति होगी? देखिए, दोनों को उम्मीद है, चुनाव साथ में ही लड़ेंगे, चुनाव साथ लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे।